नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। ये एक पर्सनल फाइनेंस का वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे जो मैंने अपने अर्ली 20s में 6-7 पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड मिस्टेक्स की थी या फिर थिंग्स आई कुड हैव डन मच बेटर। और अगर तुम लोग अभी अपने 20s में हो, अपनी जॉब अभी चालू की है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल इस वीडियो को एंड तक देखना। हम लोग 7-8 ऐसी मिस्टेक्स या फिर प्रॉपर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे जो मैंने अवॉइड कर सकता था, बट मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी तो मैं नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैंने एक लिस्ट बनाया है पूरा, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर वन इस, जब मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था और मैंने अपनी पहली प्रॉपर जॉब चालू की थी, मुझे पता ही नहीं था कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, पर्सनल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होता है। तो और कभी कॉलेजेस में और स्कूल में इसे पढ़ाया भी नहीं गया, दैट्स नॉट देयर फॉल्ट। कभी मैंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया। जब कॉलेज के बाद हम लोग ग्रेजुएट हुए थे तो पहला था कि चिल करना है, अभी पार्टी करनी है, इंजॉय करना है, दुनिया घूमनी है, पर्सनल फाइनेंस को देखेंगे बाद में। बट आई थिंक वो मैं अगर पहले से थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करता तो मच बेटर रहता, आई कुड हैव सेव मोर, आई कुड हैव इन्वेस्टेड बेटर। लेकिन उस टाइम पे इतनी नॉलेज कहाँ होती है, एंड वी वर केयरलेस, वी वर रेकलेस, बट नाउ इट्स बेटर लेट देन नेवर। अभी चालू कर दिया कोविड के टाइम में, जब तुम लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया होगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल प्लानिंग। तो वॉट वुड आई सजेस्ट कि जब अगर आप अपने फाइनेंशियल, अभी आप कॉलेज में चालू, कॉलेज खत्म होने वाला है या फिर आपने अभी जॉब चालू की है अभी, तो रीड अबाउट पर्सनल फाइनेंस। मेरे जैसे या फिर मुझसे बहुत सारे बेटर लोग हैं यूट्यूब पे, उनको फॉलो कीजिए, बट डू योर ओन स्टडी। सो नंबर वन इज़ यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल फाइनेंस, क्या होता है, क्या क्या फेसेट्स होती हैं उसकी। मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हो, मनी विद मरण करके। नंबर टू वॉज, मुझे, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था। हर महीने सैलरी आती थी या फिर जो भी वो सेविंग अकाउंट्स में पड़ी हुई है, कभी उसकी FD बनवा दी, कभी कुछ कर दिया, तो कोई भी एक, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं पता था तो उसके अकॉर्डिंगली कोई प्लान भी नहीं था। तो आई थिंक दैट वाज वन मिस्टेक, क्योंकि मैं पिछले साल ही मैंने इन्वेस्टिंग चालू किया इक्विटी में। मुझे पता भी नहीं था कि कौन कौन से डिफरेंट एसेट क्लास होते हैं, कहाँ कहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। खाली मनी पड़ी हुई है, पैसा पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट्स में, कुछ किया नहीं उसका, तो एक चीज़ में बेहतर कर सकता था। नंबर थ्री इस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस मैंने नहीं लिया, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है ये सब चीज़ें। जब मैंने जॉब चालू की तो ऑफकोर्स आपका एम्प्लॉयर का हेल्थ कवर होता है, बट दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट लाइफ इंश्योरेंस। तो आई टुक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर 4 years ऑफ वर्किंग। मतलब मैंने पिछले 2 साल पहले ही चालू किया था इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो कि LIC पे लिया था, जो मेरे डैड ने मेरी हेल्प की थी उसमें, तो मुझे उसके बारे में भी नहीं पता था। तो नंबर वन वॉज फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में। नंबर टू कोई प्लान ही नहीं बनाया हुआ है। नंबर थ्री कोई इंश्योरेंस नहीं था। नंबर फोर वॉज इक्विटी मार्केट में मैंने बिल्कुल भी 0 इन्वेस्टमेंट था, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमेशा डर लगता था, घर वाले बोलते थे कि इक्विटी मार्केट स्कैम है, लोग बोलते थे इसका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कैसीनो, ये सब पता ही नहीं था, तो कभी इन्वेस्ट नहीं किया। चार पाँच साल पहले आई थिंक मार्केट भी काफ़ी अच्छा था, अगर इन्वेस्ट किया था तो आज की तारीख में अगर 14-15% से भी अगर आप रिटर्न देखते हैं तो वो डबल हो जाता। वो मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। नंबर फाइव वॉज इन्वेस्टिंग और सेविंग लाइन में था ही नहीं कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर आपको पैसा सेव करना है, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो फर्स्ट 2-3 साल बहुत ही ज़्यादा रेकलेस थे, कुछ पैसा जहाँ पर जो भी खर्चा करना है कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं विदाउट एनी यू नो लॉन्ग टर्म सेंस। उसके बाद टैक्स प्लानिंग, तो अगर आप, जब इंडिया में टैक्सेशन इतना ज़्यादा है, हर चीज़ पे आप टैक्स पे करते हैं, अगर आप एक डिसेंट सैलरी में आप, आपकी जॉब है तो आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है, एंड टैक्स इज़ व्हाट यू कॉल अनअवॉइडेबल, राइट। तो टैक्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे इंश्योरेंस लिया तो उसका टैक्स प्लानिंग नहीं थी, इंश्योरेंस नहीं लिया था क्योंकि पता ही नहीं था, तो टैक्स प्लानिंग में वो इट कैन हेल्प यू। अगर मैं एक रेंटेड हाउस पे रहता था तो हाउस अलाउंस होता है, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म FDs पे, लॉन्ग टर्म ELSS स्कीम पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो सब पता नहीं था, तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा दे दिया। तो टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पहली जॉब रखती है, आई थिंक फ्रॉम योर फर्स्ट मंथ, प्लीज सिट विद योर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और टैक्स कंसल्टेंट। अपनी टैक्स प्लानिंग आपकी बहुत ज़रूरी चाहिए, ये मुझे लगता है बहुत, मतलब बिगेस्ट रिग्रेट कि मैंने टैक्स प्लानिंग ढंग से नहीं की। अभी भी मुझे पता नहीं कितनी ऑप्टिमल है, बट इट्स मच बेटर देन 5 years बैक। नंबर सिक्स इस, मैं बहुत कभी कभार बहुत सारी चीज़ों को लाइक यूजलेसली स्पेंड कर रहे हैं पैसा। मतलब कभी कुछ पसंद आ गया, अच्छा ये नया फ़ोन है, मैंने मतलब फर्स्ट 3 years में 3 बार फ़ोन चेंज किया था। जब भी शॉपिंग करने जा रहे हैं, अच्छा ये पसंद आया ले लिया। तो आई वो नॉट से कि ये मिस्टेक थी, बट हाँ, उसको थोड़ा बेटर और रेशनल स्पेंडिंग, थोड़ा थॉटफुल खर्चा कर सकता था, बट ठीक है, अभी वो चीज़ हो गया। और
लास्टली वॉश, क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं और आप ट्रैवल करते हो कंपनी के काम से, आपके खर्चे होते हैं, मैं कभी उसको एक्सपेंसिंग बोलते हैं, जब जैसे आप ट्रैवल किए, फ्लाइट में गए या होटल में गए या फिर आपने एक कैब किया और उसको आप जब कंपनी से क्लेम बैक करते हैं तो उसको एक्सपेंसिंग बोलते हैं। तो मैं एक्सपेंसिंग के लेके काफ़ी सीरियस ही नहीं हुआ, मैंने कहा ठीक है यार छोटे मोटे खर्चे हैं, बट दी स्मॉल खर्चे काउंट अप राइट। तो पाँच छः फर्स्ट स्टार्टिंग के जॉब के एक दो साल मैं प्रॉपरली एक्सपेंसिंग को कभी टाइम भी नहीं किया, कुछ बिल खो जाते थे, कुछ बिल रहते नहीं थे, कुछ बिल गलत हो गए, कुछ बिल उल्टे सीधे हो गए, और दो महीने बाद एक्सपेंसिंग कर रहा हूँ, तीन महीने बाद। ये मेरी पर्सनल मिस्टेक थी, जनरली लोग नहीं करते, बट ये एक एक्सपेंसिंग टाइम पे नहीं करता था, तो टाइम वैल्यू मनी रहती है। कभी कभार कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग पैसा आता नहीं था बिकॉज आई वॉज एक्सपेंसिंग इट वेरी लेट। तो नाउ आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी मच बी ऑन टाइम व्हेन यू आर एक्सपेंसिंग योर क्लेम्स इन अ कंपनी राइट। तो ये थी सात मिस्टेक्स, मैं उसको सात आठ मिस्टेक में दोबारा से रिपीट करता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपको बता होनी चाहिए। नंबर टू इज आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। नंबर थ्री आपको अलग अलग एसेट क्लास के बारे में पता होना चाहिए, इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बॉन्ड्स हो गया। नंबर फोर इंश्योरेंस होना चाहिए आपके पास अर्ली, जब आप जल्दी इंश्योरेंस में आप लेते हैं इंश्योरेंस तो आपका प्रीमियम भी कम होता है। आई थिंक मेरा प्रीमियम अभी साल का काफ़ी ज़्यादा है, जो अगर मैं 5 साल पहले लेता तो उससे 20-30% कम होता। उसके बाद नॉट इन्वेस्टिंग फर्स्ट, मैं पहले खर्चे कर देता था, फिर व्हाटएवर जो बचता था उसको सेव करता था, उसको इन्वेस्ट करता था। इन्वेस्टिंग फर्स्ट एंड स्पेंडिंग ऑन यूजलेस स्टफ। नंबर सिक्स इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप एक सैलरीड क्लास हैं तो, और स्पेंडिंग ऑन यूजलेस स्टफ हमने बात की है, और नॉट एक्सपेंसिंग ऑन टाइम, मतलब जब भी आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड खर्चे होते हैं, कंपनी रिलेटेड खर्चे होते हैं, उसको आप टाइम पर एक्सपेंस कीजिए ताकि आपका पैसा टाइम पे आए, ताकि आप उसको टाइम पे इन्वेस्ट कर सकें, ताकि आपके पास प्रॉपर एक वर्किंग कैपिटल जो बोलते हैं वो रहता चाहिए। एंड हाँ, लास्ट मंथ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्रेडिट कार्ड। स्टार्टिंग के जॉब में मैं एक दो साल अपने डेबिट कार्ड पर बहुत ज़्यादा खर्चे करता था इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड। नंबर नाइन पॉइंट वुड बी आप यू नीड टू मैक्सिमाइज योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर। मैंने क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, यहाँ पर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, तो वो वीडियो देखो। क्रेडिट कार्ड को जितना आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका क्रेडिट एक हिस्ट्री बनता है, आपका क्रिसिल का जो क्रिसिल बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका जो सिबिल का जो जो रेटिंग होता है वो अच्छा रहता है, एंड आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये 8-9 पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस की। मुझे बताओ कि तुम लोगों ने भी कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं क्या, कुछ ऐसी गलती कर रहे हो क्या, एंड अगर कर रहे हो तो मत करो, और नहीं कर रहे हो तो गुड फॉर यू, एंड लेट मी नो अगर तुम लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, जो भी मेरी लर्निंग्स है मैं उसको डालता रहता हूँ। सॉरी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा एडिटेड नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है एडिटिंग का, और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है। तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड कुछ सीखा हो तो मुझे बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ लीव लाइक, कॉमेंट, सब्सक्रिप्शन, फीडबैक, लाइक, डिसलाइक, कुछ भी करो, बट लेट मी नो how we can improve these videos. I'm new on this YouTube journey, and all the very best. Keep on saving, keep on investing, and keep on enjoying your life.